पार्क दौरे तो वापस आउंदे रे पता लग्या कि अठवें पातशाह ज्योति जोत समागे ने ते गुरगद्दी दा ऐलान बाबे बकाले विखे कर गए ने। बाबा मक्खन शाह जी बाबा बकाले विखे आउंदे ने और गुरु प्यारियो 22 मंजियां लगियां वेख के ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਾਵਾ ਡੋਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ मोहरा हर एक दे अगे रख के मत्थे टेकने शुरू कर दते भाई जेड़ा गुरु सच्चा होएगा वह दिल दी जानदा होएगा आपे बुझ लेगा आशीषा ते बड़िया ने दित्तिया पर दिल दी किसे कोलो ना बुझी गई। आखिरकार किसे ने दस्या के एक महापुरश भोरे दे विच बैठे तप कर रहे ने सिमरन कर रहे ने ते जिस वेले गुरु प्यारे हो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਆਹ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ यही गुरु नानक देव महाराज की गद्दी के असली वारस ने और कोठे से चढ़ के रोला पा दिता गुरु लद हो रहे और गुरु प्यारे गुरु तेग बहादुर महाराज जी गुरु गद्दी के उत्ते सिपाही माल किया गया जो आरासम से गुरगद्दी की वह सारी पूरी की गई ते गुरु तेग बहादुर महाराज गुरगद्दी के उत्ते सिपाही मान हो भाई मुगलों भी यह सारी वार्ता पता लगी है। और गुरु प्यारे समय के नाल नाल भाई मुगलू जड़ा वह भी बजुर्ग हो चुका है ते पिंड वाले कई तरह प्रकार दी गल्लां भी उन्हों करदे ने पर उहदा गुरु दे उत्ते विश्वास है। नौवे सतगुरु तेग बहादुर महाराज जिस वेले गुरु प्यारे मालवे दी धरती दे उत्ते सिखी प्रचार कर रहे सन ते दूजे पासे भाई मुगलो ज्यों ज्यों समा बतीत होता जा रहा अवस्था जिहड़ी है वह बजुर्ग होती जा रही है ते भाई मुगलो हुण अपना अंतम समा नेड़े जाण के जिवें गुरु तेग बहादुर महाराज के चरणा के विच गुरु नानक देव महाराज के गद्दी के वारस उन्हां दे अगे एक बेनती कर रहा अड़ियां कर रहा ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਹ ਲਖਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
भाई मुगलों नूं पता लग गया कि मेरा अंतम समा जिहड़ा ओह नेड़े आ। अज दी रात जिहड़ी आ ओह मेरी आखरी रात है। ते भाई मुगलों गुरु तेग बहादुर महाराज के चरणों के अर्जुनिया कर रहे हैं, बेनतियां कर रहे हैं। और गुरु प्यारियो मालवे के लागे, मस्तूवाने के लागे एक पिंड है कणकवाल। गुरु तेग बहादुर महाराज उस नगर के बच्चे ने। ते जिस वेले हुण भाई मुगलों की अरदास परवान हुई है, गुरु तेग बहादुर महाराज एक सिख नूं कहंदे ने, भाई साडा घोड़ा जिहड़ा तैयार करो। सिख हैरान भी है पर कोई सवाल नहीं गुरु दे अगे। वे इस वेले गुरु महाराज नूं किदां दी काली पै गई है। ये गुरु प्यारे उधर भाई मुगलों उन्हें अपने परिवार नूं दस्सिया कि अज रात घर के दरवाजे जिहड़े ने वह बंद नहीं करने, क्योंकि उन्हें पता गुरु ने मेरे नाल वचन किया, गुरु जरूर आउणगे। और गुरु प्यारे गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने उत्थे घोड़ी दे उत्ते सवार होके पिंड गंढवा दे विच पहुंच जांदे ने। घोड़े दे उत्ते चढ़े चढ़ाए भाई मुगलू दे घर जा पहुंचे। भाई मुगलू मंजे दे उत्ते लेटिया होया से, हजूर ने आवाज दित्ती, मुगलो तू याद कर रहा से, असीं आ गए हां। ते गुरु प्यारियो ऐन उसे तरह जिस तरह मैदान के जंग अंदर भाई मुगलू ने गुरु हरगोबिंद महाराज के नाल वचन किया से, ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी वे घोड़े से उतरो और भाई मुगलू का सिर जिहड़ा से ओ अपने पट्टा ते अपनी गोद दे विच रख लिया, उहदे मूंह दे विच जल पाया। ऐ गुरु प्यारियो भाई मुगलो दर्शन करके गद गद हो गया। गुरु तेग बहादुर महाराज दे विचो गुरु हरगोबिंद महाराज दे साक्षात दीदार जिहड़े ने ओह कीते। और गुरु प्यारियो भाई मुगलो जिहने अंतम सवास गुरु दी गोद दे विच लए, ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने फिर अपने हथी गुरु प्यारियो सिख दे नाल कीते हुए वचन अनुसार गुरु प्यारियो उहदा संस्कार जिहड़ा से ओह भी अपने पवित्र हत्थां दे नाल कीता। पिंड गंढवा दे विच गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे नाम दे नाल दो गुरु घर सुशोभित ने,
एक भाई मुगलू के घर जिथे जाके शीश गोद के बच्चे रखा, एक जिथे भाई मुगलू का अंतम संस्कार होया लागे एक गुरुद्वारा साहब सुशोभित है जिथो खड़ के गुरु तेग बहादुर महाराज ये संस्कार हुंदा वेख रहे सन। और गुरु प्यारियो गुरु ने वचन किया से सिख दे नाल ते सिख दे लाज रखे अंतम समय जाके उसनु दीदार बखशे और उहदा किरिया कर्म जिहड़ा सी अपने हथी किया। लोड़ है सिख नु गुरु दे उत्ते विश्वास करन दी, अज सानू विश्वास नहीं रहा। गुरु प्यारे गुस्सा ना करियो, अज एक पासे असी गुरु दे अगे भी मत्थे टेक रहे हां गुरु की मत लैण वास्ते अरदासा करते हैं, तो दूजे पासे असी कोई देवी देवता कोई बाबे नहीं, बाबिया का डेरा नहीं छड़दे। सानू गुरु के उत्ते अज बहुता विश्वास नहीं रहा, यह एक दुखांत है साडी कौम का एक अटल सच्चाई है। क्योंकि अज गुरु प्यारे असी अपने हथी ना किरत करने वास्ते ज्यादा तैयार नहीं, असी सौखा रस्ता लभ रहे हैं कि बाबे जड़े ने साडे ते कृपा कर दे, सानू बैठे बिठाया सब कुछ प्राप्त हो जाए। इस करके बाबिया के डेरे जड़े ने प्रफुल्लित हो रहे ने। खैर सतगुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हों ने गुरु प्यारे सिख के नाल कीते हुए वचन अनुसार अपना वचन अपने बोल जड़े से पगाए, आखिरी लाइना ने गुरु तेग बहादुर ने रखी लाज सिख दी आके आप संतां दे सन्मुख ढाडी जथा इउं बयान करिया। Thank you.
प्यारियो भाई मुगलू के प्यार की एक साखी किस तरह गुरु महाराज के नाल उसने वचन करके बख्शिश प्राप्त कहते कि मेरा अंतम सुवास जेड़े ने आप दी गोद दे विच होण ते गुरु ने सिख दे नाल कीते हुए वचन जेड़े सी कौल जेड़े सी गुरु प्यारे नेपरे चाड़े उन्होंने नभाया अपने हथी जाके उहदा अंतम संस्कार जेड़ा सी गुरु साहिबां ने कीता। आओ गुरु प्यारियो एक कविता 20वीं सदी दे महान सूरबीर योधे जनरल सत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले उन्होंने एक सज्जी बाह अखवाण वाले वह महान मर्द भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह सोढ़ी उन्होंने वार्ता जी गुरु प्यारे तुहाडे नाल सांझी करनी है। ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਟਵੈਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਖਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਂ ਧੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਰਲਾ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਓ ਜਾ ਦਿਲਵਰ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੀ ਦੋਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ। ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬਿਰਲੇ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਰਜੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਜਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਇਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਸਾਲ 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਸਾਲ ਦਾ 30-30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਰਜੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਦਾਸਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੇਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਅਣਖੀਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੀ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ
यह गुरु का हुक्म है, गुरु का हुक्म पजाना है, गुरु दी खुशियां ताई प्राप्त होनी है जे गुरु का हुक्म मनांगे। और गुरु प्यारे उस वेले जो सिंह बहुत मोटरसाइकलों के उत्ते असवार होकर जाया करते सन, जेडे दुष्ट लोग सन सिख कौम के जोखी सन, ते उन्हां दी गुरु प्यारे जान निकल जाते से। पर जेडे कोई इंसाफ पसंद लोग सन वह फिर जो बुलट मोटरसाइकिल की आवाज छोड़ते सन तो आपों बचन करते सर गल करते सन वे इज्जत के रखवाले जा रहे हैं, वह लोग सन इज्जत के रखवाले। सिख सूरबीर भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह छोटे जोड़ा बुलट मोटरसाइकिल चला हुआ रेल की लाइन के उत्ते बुलट मोटरसाइकिल चला हुआ पुलिस के नाल मुकाबला करता हुआ गुरु प्यारों निकल जाता है। वह सूरबे सत ग्यानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले उन्होंने सजी बाह होने का माण प्राप्त है। आप गुरु कह रहे हो यह कविता असी रिकॉर्ड करवाई थी सिख सूरमे बुलट से आते बैरिया के साथ सुकते और कविता आप संतान के सरमुख ढाडी जथा क्यों बयान कर रहा जी। Oh,
प्यारे समा समागत है इन बेनतियां किमां दे जाचका अगले प्रांत चल करके फिर आप संगतां दी सेवा दे विच जिवें प्रबंधक वीरां दे वल्लों हुक्म होया आप संगतां दे सन्मुख पेश होवांगे। आप समुची संगत साडे बहुत सत्कारयोग ज्ञानी भगवान सिंह जी ढाडी श्राणी दे विचों भगवंत सिंह जी जो विदेशों में सिक्खी प्रचार वास्ते गए हुए ने उन्हां वल्लों आशीर्वाद हासिल होया और ढाडी देदार सिंह जी संगत पुरी जिन्होंने साढ़े तो पहला पिछले प्रांत आप संगतां दे सन्मुख हाजरियां भरिया ने उन्हां वल्लों भी आशीर्वाद हासिल होया। आप समुची संगत का धन्नवाद जिन्होंने बेंत माया दे नाल जथे नवाजिया सतगुरु कृपा करन आप समुची संगत की हाजरी अपने चरणों च प्रवान करन चढ़दी कला बख्शिश करन साउंड वाले वीर का भी धन्नवाद कोटान कोटान धन्नवाद शुकराना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। अगला समा आप जी सिखातों साहब करवाओ के फतेह बुलाओ आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध सिंह जीओ ये संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी बैंस पंत का महान ढाडी जथा जिन्होंने आपू सिख इतिहास को जाणू करवाया साध संगत हम रोला नहीं पैना चाहिए क्योंकि आप हम दुध भी छकना छोलिया का प्रसाद भी छकना फिर रोला कह रहे इतिहास का हम खत्म होता समाप्त हो गई। साध संगत जो दरवाजे वाली संगत ने उद्यम किया उत्साह किया धन धन सिंह शहीद बाबा टाली साहब जिन्हों के सालाना जोड़ मेलिया के संबंध में मुख रखद्या होया यह पड़ा दूजे स्थान पर पहुंचा है। उन्हां वालों जिहड़ी आ सेवादारा वालों ये सेवा की गई है उन्हां दा वेरवा इस प्रकार है जी। सरदारनी बलविंदर कौर जी वाहिगुरु सरदार साहब सरदार कुलविंदर सिंह जी महाराज ते उन्हां दी सुपुत्री बच्ची सुखमनी इन्हां समुचे परिवारां वल्लों छोलियां दे प्रसाद की सेवा हुई है ते ठंडे दुध की सेवा सरदार जसपाल सिंह वल्लों की गई है। ये जिहड़ी कुल अग्राही हुई है आमदन हुई है जिहड़ी इस साल वह हुई है 19,500 रुपया ते जिहड़ा खर्चा आया है वह 25,640 रुपये आया है। सो साध संगत समूह साध संगत का तहे दिलों धन्नवाद गुरु महाराज मेहर करन इसे तरह ही माया दे गप्पे बहुते बहुते बख्शन हुण सेवादारा वालों ये प्रसाद वरताया जा रहा है बड़े सत्कार अदब नाल लाइना बना के बड़े प्रसाद छको ते हुण सिंघां नूं सुरपो दित्ते जाणे आ। दोस्तों उपरंत ये जिहड़ा नगर कीर्तन है अगाह वास्ते सच्चे पातशाह कृपा करे चाले पाएगा पर हुण प्रसाद वंड रहा सारी संगत ने बड़ी श्रद्धा भावना नाल ये प्रसाद छकना। बुलाओ फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
Go, go, go.
कितना होया